दोस्तों, अगर जो आप विदेश जाते हैं मेरी तरह, आप भी जाते हैं कमाने को लेकर के कि हाँ चलेंगे वहाँ विदेश में कमाएंगे, तो ये वीडियो आपके लिए है, आपके लिए मैंने बनाया है। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आखिरी तक देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि विदेश जाना और कितना आसान है, अब विदेश में रह के काम करना कितना मुश्किल है और या कितना आसान है, तो पूरा देखिएगा वीडियो को। ड्राइवर की हकीकत क्या होती है दोस्तों, आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। जो भाई कमेंट कर रहे थे ना मेरे कुछ पुराने वीडियो पे कि ऐसा नहीं होता है, ये नहीं होता है, तुमको ऐसा वीडियो नहीं बनाना चाहिए, तो क्यों नहीं बनाना चाहिए भाई, आप लोग बता दो हमको क्यों नहीं बनाना चाहिए। अगर जो हम कहीं का सच्चाई दिखाते हैं, कहीं की जो है कि यहाँ के हकीकत बताते हैं, मैं किसी को गाली नहीं देता हूँ, किसी को मारता नहीं हूँ, किसी को पीटता नहीं हूँ, किसी का नाम भी नहीं लेता हूँ, लेकिन जो गलत है उसको गलत बोलने में क्या दिक्कत है भाई। तो जो लोग देख रहे हैं अभी, आज आप वीडियो देखिएगा पूरा आखिर तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या सच्चाई होता है, ड्राइवर को क्या क्या करना पड़ता है, कैसे कैसे करना पड़ता है, मैं पूरा आपको दिखाने वाला हूँ, मिस मत करिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको सच्चाई पूरी तरह से पता चल जाएगी। अगर जो आप आने वाले हैं तो आप इस वीडियो को देख लेंगे तो उसके बाद आपको ज्यादा समझ में आएगा कि हमको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, आपको दिखाते हैं पूरा, ठीक है। चैनल पे नए हैं, पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपको इस तरह की जानकारी आगे बहुत मिलने वाली है, ठीक है, आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। चलिए आपको सच्चाई बताते हैं, कुवैत की सच्चाई, गल्फ की सच्चाई। ये है मेरे कपिल के लड़के, अब मैं पूरा इसको, ये देख सकते हैं नारियल का पेड़ था, इसको 2 घंटे लगा मुझे, इतना मेहनत किया तब जाके काट के गिराया, अब जाके ऊपर का ये आके भाई साहब कर रहे हैं। एक तो आपने वो सब देख लिया क्या मैं कर रहा था, दूसरा चीज आप यहाँ देख सकते हैं गाड़ी कैसे गाड़ी हो गई है। आप कितना हो बड़े हैं, कितना हो बड़े ड्राइवर हैं, लेकिन आपको ये गाड़ी धुलना ही पड़ेगा। रात को आंधी तूफान चला था, धूल उड़ा, पूरा चिपका था, थोड़ा सा बारिश हुआ, देख सकते हैं गाड़ी का क्या कंडीशन। एक गाड़ी मेरे को ये धुलना है, दूसरा गाड़ी ये नहीं धुलना है, ये है एक मेरे कपिल की गाड़ी, इसको धुलना है, देख सकते हैं कैसी दिख रही है। और ये रहा आधा बाल्टा पानी, इस आधे बाल्टी पानी में एक गाड़ी धुल दूंगा, कैसे धुलना है अगली वीडियो में बता दूंगा आपको। तो भाई ड्राइवर हैं, ड्राइवर को ये करना ही पड़ता है, सबकी मजबूरी है। हालांकि मैं हफ्ते में एक बार करता हूँ, लेकिन सब लोग ये जो आगे पीछे गाड़ी दिख रही है उधर उधर, वो डेली वाले हैं, वो ड्यूटी पे गए हैं, जैसे आएंगे अभी गाड़ी वो भी साफ करेंगे। इधर भी सारी गाड़ियाँ देख सकते हैं फटी हुई हैं। तो मैं अच्छा आपको एक बता देता हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई गाड़ी में आधे बाल्टी पानी में कैसे धुलते हो। देखो ये है स्पंज और उसमें है कपड़ा रेड कलर का कॉटन का, इसको मैं भिगो के ऐसे एक बार भिगोइए और इसको ऐसे पूरा मार दीजिए, ठीक है, देख सकते हैं आगे का मैंने मार दिया। अब क्या करूँगा, ये वाला जो कपड़ा है इसको पूरा एक तरह से हाथ से इसको पानी निचोड़ लीजिए, निचोड़ के और फिर इसको साफ कर दीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये इसका मैंने पानी निचोड़ दिया है, अब इसको बस ऐसे पोंछ देना है एक बार, तो इस तरह से हो गया आगे का साफ। अब फिर वही स्पंज भिगो के जैसे जैसे मैं पानी से उसको जो है एक बार मार के और इसे साफ कर देता हूँ। बहुत लोग क्या करते हैं, 3-3, 4-4 बाल्टी पहले पानी मारते हैं फिर साफ करते हैं, ऐसे मैं कभी भी नहीं करता भाई। लोग वो गाड़ी तो धुल दिया, एक बीच वाली गाड़ी में बोला धुलना नहीं, वो तो चली गई क्योंकि उसी का वो जल्दी चला जाता है। और अब ये बचा है, अब इसको भी 20 मिनट लगेगा, फिर उसके बाद एक गाड़ी और है, यानी 3 गाड़ी मेरे जिम्मे होती है। अब मैं अपनी गाड़ी धुलूं चाहे ना धुलूं वो मेरे ऊपर है, देख सकते हैं कितनी गंदी है, इसको भी धुल लूं फिर आप लोगों से बात करते हैं, देखते देखते जाइए क्या क्या करना पड़ता है ड्राइवर को। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये 2-3 चीज देखे अभी, तो ये कुछ भी नहीं है भाई, ये कुछ नहीं है। मेरे कहने का मतलब, आप लोग जो कमेंट करते हैं कि मैं डरा रहा हूँ लोगों को, मैं डरा नहीं रहा हूँ भाई। अगर जो किसी चीज को आप
एक्सप्लेन करते हैं, उसको डराना नहीं बोलता है, उसको दुनिया को बताना बोला जाता है कि हाँ ये सच्चाई बता रहा है बंदा। ड्राइविंग जॉब में सबसे टफ जानते हैं क्या है? पूरा ये गाड़ी धुलना वो भी आसान है, गाड़ी चलाना वो भी आसान है, और जितने भी काम है ये पेड़ काटना भी आसान है। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है ना, इसमें खाने का टाइमिंग फिक्स नहीं होता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई मेरा सही है, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सबके साथ ही ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं, 100 में ये 5 उंगली बराबर नहीं होती भाई। मैंने जो वीडियो बनाया था ना जिसपे 1.3 मिलियन व्यू आया है, उसमें बहुत सारे भाई लोग कमेंट किए हैं कि भाई तू व्यू के लिए, तो मैं जब वीडियो बनाया था ना तब मेरे चैनल पता है आपको सिर्फ 15-20 सब्सक्राइबर थे। मैंने ये सोच के नहीं बनाया था कि व्यू आएगा, बस मेरे को जो समझ में आया मैं बना के डाल दिया। तो सबसे बड़ी मुसीबत, सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना यहाँ पर दो चीज को लेकर के, एक खाना एक सोना, दो चीज को लेकर के बहुत दिक्कत होती है। और यही वजह है कि यहाँ के लोग ज्यादा परेशान होते हैं। मेरे को कुछ लोग ऐसे ऐसे हैं जो रोते हैं भाई, रोते हैं कमेंट करके कि नूर भाई बस मेरे को भेज दो। मैं पूछता हूँ कितना दिन हुआ? अभी मेरे को 1 महीना हुआ, 1.5 महीना हुआ। अब वही टर्निंग प्वाइंट होता है भाई, 2 से 3 महीना जो बंदा जो 3 महीने तक, और जो बहुत टफ होता है, क्योंकि आपको इंडिया की तरह नहीं होता है कि आपने 8 घंटा काम किया, 10 घंटा काम किया, उसके बाद खा के सो गए अपने हिसाब से। नहीं, यहाँ पे मजबूरी है कि इनके हिसाब से रात को जरूरत पड़ेगी फोन करेंगे, या अल्लाह शकल से यारा, दिन को जरूरत पड़ेगी कभी भी, आप खाना खा रहे हैं तुरंत फोन आएगा तो आपको छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको टाइम मिलेगा कहाँ, कुछ लोग होते हैं बोलते हैं ठीक है खाना खा ले फिर चल, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं बोलेंगे या अल्लाह शकल से यारा, शकल मतलब चालू करना है, आप छोड़ दीजिए काम। तो सबसे बड़ा दिक्कत ड्राइवर के लिए होता है, टफ चीज होता है कि उनका टाइमिंग जो होता है। आप कुछ लोग बोलेंगे कि आप तुमको टाइम नहीं मिलता, तुम वीडियो बना रहे हो तो तुमको टाइम नहीं मिलता तो वीडियो कैसे बनाते हो 2 दिन? भाई मैं ड्यूटी पर रहता हूँ तब भी वीडियो बना देता हूँ, क्योंकि मुझे यहीं बैठ के, मुझे कोई सेटअप नहीं लगाना है कि कैमरा लगाना है, मैं मोबाइल रखा जो मेरे दिल में आया, जो मुझे अच्छा लगा मैं आपको बता दिया, शेयर कर दिया। गाड़ी में मैं कहीं भी रहता हूँ 10-15 मिनट का टाइम मिलता है ना, ये कहीं जाते हैं दुकान पे भी तो 10-15 मिनट टाइम मिलता है, उतने देर में मैं वीडियो बना लेता हूँ। तो यही बात है भाई, सच्चाई यही है। अभी मैं आगे आपको ऐसे ऐसे चीज बताने वाला हूँ जो कि आप भी सोचेंगे कि हाँ ये आज तक किसी ने यूट्यूब पे नहीं बताया था। बस आप नए हैं, पहली बार आए तो मेरे चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको यहाँ की सच्चाई, यहाँ की अच्छाई और यहाँ की बुराई हर चीज आपको पता चलती रहे, और आप आने के बाद पछतावा ना हो, आने से पहले ही देख लें, ठीक है? तो बस ये छोटा सा वीडियो था, और इस वीडियो से आपको जो है कि कुछ सीखने को मिलेगा, जरूर मिलेगा होगा। अगर जो आपने पूरा देखा होगा तो जरूर कुछ आपको सीखने को मिलेगा। आगे भी आपको ऐसी वीडियो मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।